शांति एक बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है। सुबह वो काम पर जाती, शाम को जंगल से लकड़ियां काट कर लाती। तुमने ही मेरे कंगन चुराए हैं। जाओ, क्या करूं? हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली वाले बारबी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक गरीब औरत शांति के बारे में जानेंगे। शांति एक बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है। वो बहुत ही गरीब है, उसके पति नहीं है, इसलिए सारा काम उसे खुद ही करना पड़ता है। दूसरों के घर में काम करके वह अपना घर चलाती है। उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। शांति अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने उसका नाम लाडली रखा है। लाडली, अरे ओ लाडली। हाँ माई बिटिया, हम काम पे जा रहे हैं, तुम खाना खा लेना। अच्छा माई। रोज सुबह वो काम पर जाती, दूसरों के घर जूठे बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती, कपड़े धोती और फिर शाम को जंगल से लकड़ियां काट कर लाती। माई आ गई, माई आ गई। आ जा हमरे लाडली अपनी माई के पास। हमरे बिटिया ने कुछ खाया कि नहीं? खा लिया माई। शांति की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। फिर एक दिन अचानक शांति की मालकिन ने चोरी का इल्जाम लगा के शांति को काम से निकाल दिया। शांति की मालकिन एक बहुत ही घमंडी, निर्दयी और झगड़ालू इंसान थी। ये है रमा और उसकी बेटी सोना। शांति यही काम करती है। रमा आए दिन शांति को सुनाती रहती है, डांटती रहती है। शांति, तू बहुत कामचोर हो गई है, अच्छे से काम करो। जी मालकिन। अच्छे से सफाई करो। जी मालकिन। एक दिन की बात है, रमा ने अपने सोने का कंगन उतार कर टेबल पे रख दिया और वो नहाने चली गई। तभी उसकी बेटी सोना आई। सोना ने खेलते खेलते कंगन अपने हाथों में उठा लिया और उसे पहनकर खेलने लगी। वाह, ये कितना सुंदर है, कितना सुंदर कंगन है। मैं अभी अपने दोस्तों को दिखा कर आती हूँ। ऐसा कहकर सोना अपने दोस्तों को दिखाने चली गई। तभी शांति काम पर आती है। और बर्तन मांजने लगती है। बर्तन साफ करके वो किचन में रख देती है। फिर शांति झाड़ू लगाने लगती है। तभी रमा वहां आती है। शांति, थोड़ा जल्दी आया कर। ठीक है मालकिन। अरे, मेरा कंगन कहाँ गया? यहीं पे तो रखा था। अरे, मेरे सोने का कंगन कहाँ गया? यहां भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। शांति, सच सच बता, तूने लिया है ना कंगन? नहीं मालकिन, आप कौन से कंगन की बात करत हो, हम नाही जानत है। झूठ मत बोल, यहीं पे रख के गई थी मैं अपने सोने के कंगन। और यहां तेरे सिवा और है कौन जो ले जाएगा मेरे कंगन? नहीं मालकिन, हमरा विश्वास करो मालकिन, हम चोर नहीं है मालकिन, हम चोर नहीं है। झूठ मत बोल, तुमने ही मेरे कंगन चुराए हैं, चल दे वापस। तभी लाडली वहां आ जाती है। आंटी, हमरी माई को चोर मत कहो, हमरी माई चोर नहीं है आंटी। चल हट, बड़े आई चोर नहीं है, चोरनी कहीं की, चोरनी की बेटी। मालकिन, हम गरीब जरूर हैं मगर चोर नहीं है मालकिन। चलो निकलो मेरे घर से, आइंदा से अपना मुंह मत दिखाना। मालकिन, हमें काम से ना निकालो मालकिन, फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे मालकिन?
हमें काम से ना निकालो मालकिन। जाओ यहां से, मैंने कहा ना चोर कहीं की। आंटी आप बहुत गंदी हो, चलो माई। फिर शांति अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है और रोते रोते कहती है, हे भगवान किस पाप का सजा दे रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। शांति मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठकर रोने लगी, हे भगवान अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे मैं अपनी बच्ची का पेट भरूंगी। दिन पर दिन शांति की हालत और बदतर होती गई, घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। माई माई बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो ना माई। क्या दो बिटिया मैं तुझे खाने को, घर में एक दाना भी नहीं है, कैसे दिन आ गए मेरे। माई मत रो माई मत रो, मुझे भूख नहीं लगी है माई, मत रो माई मैं पानी पी लूंगी। मैं पानी पीकर आ गई माई, देखो मेरा पेट भर गया, देखो देखो मेरा पेट भर गया माई, मत रो माई मत रो। लेकिन पानी पीने से भूख कैसे मिटेगी बेटी। माई मैं भीख मांग कर लाऊं। लाडली आज के बाद दोबारा ये बात कभी मत बोलना। मैंने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया है कि तू भीख मांगे। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसी नौबत नहीं आएगी बेटी, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगी बेटी, कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगी। बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।